What is the most likely the diagnosis? Open neural tube defects, encephalocele with spina bifida. फ्रेंड्स, ये आप इमेज देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इस तरीके से होता है, जिसे हम बोलते हैं ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपरली कवर नहीं होता है, उभरा रह जाता है, जैसा आप इमेज देख रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा। अब क्वेश्चन ये है कि प्रीनेटल स्टेज में इसे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? बाय फीटल एनोमली स्कैन विद अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा, एनोमली स्कैन के द्वारा आपके बच्चे में कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल टेस्ट है जो आपको ये बता सकता है कि आपके बॉडी में एक कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज या स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशन देखी जा सकती है? तो वो होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSAFP। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू अगर आपके 15 टू 18 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, जिसे हम बोलते हैं कि आपके गर्भावस्था का जो समय है वो अगर 15 से 18 सप्ताह के बीच में है, और वहां पे आपका जो अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका वैल्यू 2.5 से ज्यादा आता है, 2.5 MOM, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ मीडियम, अगर मोर देन 2.5 MOM है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशन देखी जा सकती है।